पंचायती चोणां नूं लै के सरगर्मी वधी हुई है। कुछ दिन पहला असी खड़े हाँ गज्जू माजरा पिंड इत्थे जिहड़े नामजदगी फार्म भरे गए सी, कुछ इतराज करे गए, किसी ने कहा भी बलकार सिंह गज्जू माजरा वल्लों धक्का किया गया, साढ़े कागज सर्द कराए गए, मतलब साढ़े दबाव पाया गया, कई तरह की गल्लां आई सामने। हुण ये मामला ज़्यादा भख गया। असीं भी कहिंदे हां भी जिहड़े पिंडां की सरपंची और मैंबरी की चोण होनी है 15 तारीख नूं वोटां पैणी है, पिंडां दे विच आपसी भाईचारा बना के रखना बहुत जरूरी है। भावें कोई जीते कोई हारे ये वोटरां ने तय करना है, लेकिन सब तो पहले पिंड दे विच असीं अपने भाईचारे नूं मजबूत रखिए, उहदे विच कोई भी त्रेड़ नहीं आनी चाहीदी। ये असीं भी अपील करते हाँ किसी भी पिंड दे विच चोण हो रही है भावें वह सारे इकट्ठे रहन, पंचायती चोणां आंदी रहणगी जांदी रहणगियां, लेकिन साडा रिश्ता मजबूत रहना बहुत जरूरी है। एक साडे ना उरे पिंड दे विच बीजेपी का नुमाइंदा जिहड़ा वह सरपंची कुलवीर सिंह जी सुभाष चंद जी का भरा उरे सरपंची लड़ रहा थी जिहड़े बीजेपी वल्लों, ते एक आम नौजवान जिहड़ा सेवा करदा पिंड दी रहा वह भी इत्थे लड़ रहा सीगा। हुण उन्हां दे फादर साहब दे मैं तुहानूं दिखाउणा चाहुंदा भी आ उहदे फादर साहब दी है जिहड़ी स्टैटी दी सर्टिफिकेट है, 77 साहब दे बकायदा सैन होए हुए ने, नाल इहदे मोहर लगी आ, सारा कुछ होया आ, सारा जिन्नी भी हैगी आ 3118 रुपये बकाया जिहड़ा बैंक दा वह दर्शन सिंह दे नाम खड़ा है, सरकारी है जी कोपरेट स्टेटी 2013 का, तो उहदी माता है जी निर्मला देवी दर्शन सिंह, उन्हां दे फादर साहब ने उन्हां दे जिहड़ा फादर साहब हुण उन्हां दे घर वाला दर्शन सिंह, उन्हां दे फादर साहब ने नंद लाल जी, ठीक है। इन्हां दे 2020 तो डिफाल्टर है ये, 3117 रुपये जिहड़े ने वह देने ने। आ दर्शन सिंह की एक सरकारी टूटी है, उसका बकाया पानी का बिल 809 रुपये जिहड़ा वह सरकार का देना है। जिहड़ा चौथी गल वो कहिंदे ने भी सानू नहीं पता लग्या, ऐ नहीं होया, आ बकायदा सर्टिफिकेट है BDPO ऑफिस का जिहड़ा उत्थों RO वल्लों लगाया गया है भी 11 बजे तो लैके 5 तरीक नूं ये लग्या भी 3 बजे तुसीं अपनियां रसीदां लिया के सानू दिखा दिओ, असीं इन्हां नूं लड़न की इजाजत दे देंगे। इन्हां ने वो नहीं कीती, साडे उपर साडे सरकार होने के बावजूद भी असी सतनाम सिंह दे फादर साहब का कोपरेट स्टैटी का सर्टिफिकेट है, बकायदा मोहर लगी हुई है, सारा कुछ है, 77 दे सैन ने 2,58,000 रुपया भर के अपनी सरकार होंदे भी असी उहदा सर्टिफिकेट हासिल किया। आ पानी का टूटी का बकाया जिन्ना भी खड़ा थी 750 रुपये, ये असी पहला निल किया पहले 27 तरीक तो पहला भी कोई ये भी अड़ेचन ना आ जाए। आ बिजली का बिल असी महीने का भरिया, लोग 2 महीने का भर देने, असी महीने का भर के तो उम्मीदवार था उसके सारे कागज पूरे सी, सारे कागज पूरे सी जी, ते ए लोग इन्होंने रोप लाया इत्थे इकट्ठ किया लोगों नूं मरवाउण वाली स्थिति दे विच, बीजेपी का कैंडीडेट इत्थे पिंड नूं मरवाउण दे लई पैदा इत्थे खड़ा होया, इत्थे इकट्ठ करके लोगों नूं ललकारे मारे, मेरे घर दे मूहरे ललकारे मारे, मेरे जिहड़े बंदे सीगे जिहड़े कैंडीडेट लड़ रहे थे उन्होंने डरपाया डराया धमकाया गया, उन्होंने बारह कल कोर्ट का फैसला है, उसमें गज्जू माजरा कोई पोस्टपोन तो नहीं होया, अजे तक कोई पोस्टपोन नहीं होया जी, अज जी है वो सुनवाई है, कोर्ट जो भी फैसला करूगा, असी नहीं कहते साढ़े हक चाहूगा जो उन्होंने आऊगा, किसी दे भी आ सकता है आऊगा, जो चोन लड़न इजाजत देंगे असी चोन लड़ांगे, नगर च जावे नगर के बंदियां दे असी पैरी हाथ लावांगे अगे वधांगे, ठीक है। असी इस करके नगर नूं असी धन्नवाद करते हैं भी साडा नगर एक इहो जिहा नगर है भी साडे बच्चों के सिर ते हर एक हथ रखता है, असी अपनी सच्चाई दसी, उन्होंने सानू इत्थे उलझण दाणी च पा के साडा पिंड बढ़वाउण दी गल तुसी साणे हो, पहले ये सारा इन्नी उम्र लंघाई इस पिंड च कदी इस तरह दी मामला सामने नहीं आए थे, इस तरह आपस में कदी सामने नहीं आया, मैं तो यही कहना भी रखते पिंड वाले रहन सब कुछ ठीक है, कोई गल ऐसी नहीं हुई कदी, ये पहली बार हो रहा है। मैं भी अपनी लाइफ से इन्ने सालों तक पिंडा पहली बार हो रहा है जी, इस तरह पहले कभी नहीं हुआ, समझौते इस दे नाल आपसी प्यार नाल मामला चोण होनी चाहिए सी ना, हां जी प्यार नाल होनी चाहिए जी, पहली बार इस तरह होया है, जेड़ा मतलब सरपंची दा रौला पिआगा तुसी लड़े खड़े जी, हां जी मैं खड़ा हुआ सरपंची दे उम्मीदवार जी, अच्छा सरसमति नाल हो गया सी, सरसमति नहीं जी, असीं मतलब के चोण मैदान दे विच मतलब के अपने कागज दाखिल किए हुए ने, ते उहदे विचों इन्हां दी रिजेक्शन आ गई कागजां दी, इन्होंने कहता भी थोने करवाए ने, पर साडे वल्लों इहो जिहा कोई नहीं, इस करके असीं सबूत लिया के हुण पिंड नूं
इकट्ठे करके दिखाता भी साढ़े वालों कोई नहीं, ये खुद अपने कागजों में घटने जो मैंबर है उन्होंने वापस सरपंची के हुए थे सारे वापस लिए कागज इन्होंने अपने सरपंच के अहदे से कैंसल हो गए थी तो इन्होंने आके कहता भी उन्होंने करवाते बाकी मैंबरों तो मैंटली प्रैशर पा के कह लो भड़का के इन्हें कागज वापस जो दो सलाए थे तो इन्होंने करे या बलकार का नाम लेंगे असं वो सबूतों समेत हाजिर हो जी जिम्मे हम सरकार का नाम लेंगे ने भी सरकार ने धक्का कर जो धक्का ही करना होंगे अपनी मर्जी ना मैंबर बनाते पहले ही जो सरकार धक्का कर दी फिर धक्का ही कर देंगे। मैं हरपिंदर सिंह सन ऑफ दरबारा सिंह पिंड गज्जू माजरा जो कि मैं आम आदमी पार्टी का वर्कर हाँ पिछले कई सालों तो ही जो कि मतलब साढ़े तो कुछ जिहड़े ए मोटवर बंदे ने सानू 80% आम आदमी पार्टी वालों वख करके एक कांग्रेस नाल रल के कांग्रेस का सरपंच ये जित्या रहे ने साढ़े बंदे दे कागज रिजैक्ट कराए गए क्योंकि उहदे विच जिहड़ा असी पिंड लेवल ते भगवंत मान जी कहिंदे ने भी पिंड लेवल ते पंचायतां चुनो असी एक पार्टीबाजी तो वख हो के कुछ सारिया पार्टिया के बंदे रल के एक साडा अपना सरपंची की चोन लड़ रहे थे तो इन्होंने कांग्रसी बंद रल के बाकी आम आदमी पार्टी के वर्करा अलग करके जिन्होंने वोटा पा के इन्हों जताया तो उन्होंने ये अगे कर रहे हैं तो साडे कागज अपना करके रिजैक्ट करके तो ये उन्होंने जित्या रहे हैं। पंचायत दिया जिहड़ियां नॉमीनेशन चल रही उन्होंने संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहना कि जिमें पंजाब दे विच सरकार दे वलों धक्का किया जा रहा है उस तरह पिंड गज्जू माजरा विच भी इन्होंने जिहड़ा कैंडीडेट खड़ा सी उस दे जिहड़ा कैंडीडेट खड़ा सी उस दे ते जिहड़ा उहदा कवरिंग सी उस दे भी मतलब कागज कैंसल करा दिते और उत्थों दा इतिहास है भी जदों असी ने नगर के लोगों का इकट्ठ किया असी हलका इंचार्ज के बार मूहे इकट्ठ किया तो जेडे पंचायत मैंबर उन्होंने वालों भी खड़े ने खड़े किए साडे वालों वो सारे भाईचारक एकता वास्ते अपने कागज पत्र वापस लै गए। अज स्पष्टीकरण देंदे हुए हलका इंचार्ज ने अनाउंसमेंट की पहला तो वो शब्दावली है जी वो इन्नी मतलब भैड़ी आ उस तो ही पता लग जाता है भी वो किदां दा मतलब लोग ने जाति इल्जामबाजी होर जिहड़ा पोलीटिकल इल्जाम लाया उन्हें साढ़े परिवार को कहा भी ये बीजेपी दे नाल तलक रखते हैं ये बीजेपी की गेम है जदों के जग जाहर है ये भी कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एड्डा वड्डा आगू होने के नाते उहदे परिवार जिहड़ा बीजेपी नूं मुख दुश्मन समझता है जिहड़ी बीजेपी नूं मतलब फुट्टी अख भी नहीं पाउंदी उहनां दी पार्टी नूं उस ते इदां दा इल्जाम लाउणा मैं कहिंदा वी सब तो इस तों वड्डा झूठ कोई देखो जी। पहली गल तां जिहड़े इह बलकार सिंह गज्जू माजरे ने इल्जाम लगाए ने इह बिल्कुल गलत ने। मैं एक प्रैस रिपोर्टर हाँ मेरी भूमिका सिर्फ पत्रकारिता तक सी मैं जो पत्रकारिता दे मुताबक मेरा फर्ज बनता सी मैं वो कवरेज की है कवरेज कल्ली सिर्फ मैं नहीं की ते अनेक अखबारों में कवरेज हुई है। कुलवीर की लगते हैं कुलवीर मेरा रिश्तेदार ही कजन है ठीक है मेरा फर्ज बनता मैं एज ए प्रैस रिपोर्टर उत्थे जाके जो कवरेज की है वो की है तो कवरेज के यदा व्यू भी लगे हुआ जो मर्जी अखबार की खबर यह चैक कर सकता है जाके दोष ला रहा है बीजेपी ने करता जी इतने बीजेपी मैं एक प्रैस रिपोर्टर ही बीजेपी मतलब वैसे बीजेपी नहीं बीजेपी का कोई संबंध नहीं जी वह बंदा किसान जथेबंदियों का भी रहा किसान लिए भी कम कर इस करके दोष बिल्कुल गलत ने। पिंड हर पार्टीबाजी तो उठ के ये पिंड का डिसीजन सी पिंड का फैसला सी पूरा पिंड ने एकमुठ हो के मैंबर ने सहु खाधी है पर इकट्ठ के गुमराह करता इन्होंने मैंबर भी पूरे पिंड गुमराह किया आज कोर्ट च पेशी है जी अज फैसला आ जाना भी की है वो इन्हें पता लग जू भी की दोष ने किने रद्द कराए ने ते दूसरी जो उत्थे जानकार लोगों तो खबर मिली सी असी जाके वीडियो पी साहब नूं भी पुछया सी भी एक अपना राजनीतिक बंदा वीडियो दफ्तर के करता सी ते इह क्यों उत्थे 12-12, 11-11 बजे रात तक बैठदा सी जे इल्जाम सही ने लोगों के जनता के कहने अनुसार तो उ जवाब दे एलिजिबल कैंडीडेट थे वो नाम नहीं सी ना ही कोई उन्होंने दस गया कि रिजैक्ट हो ना ऑब्जेक्शन के लिए आया।
जो अज अपना जिस तरह की हाई कोर्ट आए तो हाई कोर्ट ने अपना नोटिस किया जिस उन्होंने ऑब्जेक्शन ये लाई कि इन्होंने फैब्रिक सोसायटी के कुछ मुंडे डिफॉल्टर है तो जिस अपना कोर्ट ने कहा कि अपना हाउ द फादर द पटिशनर इज एलिजिबल फॉर दैट वट एवर द डिफॉल्ट इज देयर एंड इन दैट रिगार्ड दे एक्सेप्ट अवर रिपिटिशन एंड अलाउ हिम टू कंटेस्ट द इलेक्शन पिंड गज्जू माजरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला जी हाईकोर्ट ने इन्हों परमिशन देती है कि यह सरपंच के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते जिन्हें इन्हें कुछ नहीं क्लियर किया अज यह अपना जवाब लेके आए जिन्हें किया कि इन्हों के फादर मेरे जो क्लाइंट है कुलवीर सिंह इन्हों के फादर एक सोसायटी के कुछ लिमिटेड अमाउंट के डिफॉल्ट कर तो कोर्ट ने ही किया कि वह जो डिफॉल्ट है किस तरह मेंटेन है वो ये पटिशनर ने कि मेंटेन जवाब यही आया कि अपना इन्होंने फादर उन्होंने यही दिखाया कि इन्होंने फादर जो दर्शन सिंह सोसाइटी के उस अमाउंट के डिफॉल्टर जो उन्होंने किया जिस करके डिफॉल्ट करके इन्होंने नॉमिनेशन नॉमिनेशन किया तो मैंने नॉमिनेशन किया था जैसे 7 तारीख को 6 तारीख को मतलब हमें सिंबल अनाउंस करने थे हम लिस्ट चेक करने गए लिस्ट में हमारा नाम नहीं पाया गया जिसके बाद हमने रिटर्निंग ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि हमारा नाम क्यों नहीं आया उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया तो उसके बाद हमारे मतलब कि जब हम अपने गांव में गए एक प्रोटेस्ट हुआ हमारे हक में जो हमारे नॉमिनेशन जो पंची थे 7 पंची थे हमारे 7 वार्ड थे गाँव के उन्होंने भी जो ओपोनेंट के पंची भी थे और हमारी ओर से भी थे उन्होंने सब ने मतलब मेरे हक में तो रिज़ाइन कर दिया किसी ने फाइट इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया अभी हमारे पंची भी कोई इलेक्शन नहीं है उसके बाद हम मानजोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आए हमने यहाँ पे हमारी पिटीशन दायर की आज जब रिटर्निंग ऑफिसर को यहाँ पे बुलाया गया तो उन्होंने एक हमारे पे एप्लीकेशन लगाया कि एक छोटी सी अमाउंट जो मेरे फादर साहब की ड्यूटी सोसाइटी की कि इसके कारण ये डिफॉल्टर हैं इलेक्शन नहीं लड़ सकते लेकिन मानजोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस एलिगेशन को सिरे से नकार दिया है और मुझे 15 तारीख को इलेक्शन लड़ने के लिए परमिट कर दिया पहली तारीख या दूसरी थी आज दूसरी तो क्या कुछ मैं तो बहुत धन्यवादी हूँ जज साहब का पंजाब एंड मानजोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जिन्होंने मुझे मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ किया जो एक हमारे ये जो सब हुआ ना ये एक पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हुआ हमारे गांव के ये गज्जू माजरा के ये एक ब्लॉक इंचार्ज हैं प्रकाश सिंह के नाम से उन्होंने उनके पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से मेरी फाइल मतलब रद्द कर दी गई थी जिसकी वजह से मेरा नाम नॉमिनेशन में नहीं वो आम आदमी पार्टी कैमरामैन बीके करग के नाल पुरुषोत्तम कौशिक समाणा न्यूज़।